सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, Redmi की तरफ से Redmi का 13 5G जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट और साथ ही साथ इसका जो लैंडिंग पेज है वो Amazon पर लाइव भी हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जिस प्राइस पॉइंट में ये स्मार्टफोन आने वाला है, क्या हमें इसका वेट करना चाहिए या नहीं, स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली, क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और क्या उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये स्मार्टफोन उस प्राइस को जस्टिफाई करेगा या नहीं। सो गाइस, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर फोन की डिजाइन और लुक्स की। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, स्मार्टफोन का लुक बिल्कुल भी Redmi 12 की तरह ही आपको देखने को मिलने वाला है। डिजाइन आपको यहाँ पर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक की फ्रेम होगी, लेकिन बैक में आपको यहाँ पर ग्लॉसी ग्लास का सपोर्ट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको IP53 की रेटिंग भी मिल जाएगी, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। साथ ही 8.2 mm की थिकनेस और स्मार्टफोन का वेट होगा अराउंड 210 ग्राम। सो देखेंगे तो थोड़ा सा बल्कि जरूर होगा, लेकिन फिर भी इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी होगी 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा, और हां आपको 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है। सो इंडोर में तो आपको यहां पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर में आपको यहां पर थोड़ी सी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। वहीं पर गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम प्राइस पॉइंट को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास का सपोर्ट मिलेगा। मेन कैमरा होगा 108 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक रहने वाला है। और रही बात आउटपुट की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं Redmi की इमेज क्वालिटी ठीक ही रहती है, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज में तो कोई खास शिकायत नहीं आएगी, और पॉसिबली आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। दोस्तों स्मार्टफोन का जो चिपसेट है ये रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, और ये चिपसेट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, जो कि 4 Gen 1 का एक सक्सेसर है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी वो लगभग यहाँ पर Qualcomm स्नैपड्रैगन 695 की तरह ही मिलने वाली। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छे लेवल की गेमिंग भी कर सकेंगे। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में आपको 5030mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि देखा जाए तो एक अच्छे साइज की बैटरी है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर होंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफ़ी आराम से मिलेगा। साथ ही साथ 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा, और हाँ यहाँ पर आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलने वाले हैं। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। वैसे अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें, तो ये स्मार्टफोन आने वाला है एंड्रॉयड 14 पर, जहाँ पर आपको मिलेगा हाइपर OS का सपोर्ट। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की, तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन हमें 2 वेरियंट्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पर 4GB की रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट होगा, ये अराउंड 11,000 रुपये की कीमत पर हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर इस प्राइस पॉइंट में अगर हम कोई बेस्ट स्मार्टफोन देखें जो कि अभी इस समय मार्केट में अवेलेबल है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर मोटो का G34 5G। और उस हिसाब से अगर हम स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिलने वाला है, प्लस 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आपको लगभग दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम ही देखने को मिलने वाली है। सो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन यहाँ पर थोड़े से एडवांटेज के साथ में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे में अगर ये स्मार्टफोन 11,000 रुपये कीमत पर लॉन्च किया जाता है, तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। अगर आप Redmi 13 5G का वेट करना चाहें,
तो डेफिनेटली आप यहाँ पर स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। वैसे इस प्राइस पॉइंट में आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।